पत्थरों के बीच से जाना पड़ेगा आपको अगर बिजली महादेव जी के दर्शन करने हैं तो। भाई हम पहुंच गए बिजली महादेव जी के मंदिर पे। और भाई जैसे हम ऊपर पहुंचे हमने देखी पार्किंग, बाइक लगा दी और हम मिले आंटी जी से जो आपको पीछे दिख रही है। इनका होम स्टे, पेड पार्किंग है, चाय मैगी सब कुछ मिलता है। यहां से हमने पानी की बोतल भरवाई और जैकेट निकाल के अब हम चल पड़े हैं भाई बिजली महादेव जी के दर्शन करने के लिए। भाई जैसे ही आपको यहाँ आना है तो सबसे पहले आप जब मनाली से आ रहे हो तो कुल्लू आने के बाद जो एयरपोर्ट वाला टर्न आता है वहाँ से ब्रिज क्रॉस करते ही और आपको लेफ्ट में मणिकरण की ओर मुड़ जाना है और रास्ते में एक जगह आएगी, क्या नाम आंटी जी? सोरनाला ब्रैन देवगरा। और भाई सोरनाला से आपको ऊपर आना है ब्रैन देवगरा के लिए। ये 9 किलोमीटर का रास्ता है जिसमें आपको लग जाएंगे लगभग 40 मिनट। और ये आने के बाद आपको जहाँ पे पार्किंग करनी है वहाँ पे आंटी जी मिलेंगी, इनका होम स्टे भी है। बहुत तेज हवा चल रही है हद से ज्यादा और पीछे आप हिमालय के पहाड़ देख सकते हो बर्फ से ढके हुए। और अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से, कहाँ के लिए लाडू? बिजली महादेव के लिए। हम आए थे इस वाले रास्ते से, यहाँ जाना ऊपर और आपको पार्किंग वहाँ सामने मिलेगी, जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, बोलो हर हर महादेव। चश्मा उतार ले और रास्ता देखो भाई, ये वाला है जो सामने देख रहे हो आप ट्रैक के लिए। ये पत्थरों के बीच से जाना पड़ेगा आपको अगर बिजली महादेव जी के दर्शन करने हैं तो। बोलो बोलो हर हर महादेव। लेकिन भाई मैं एक बात सोचता हूँ बहुत बार, वो ये जितने मंदिर हैं ये सब पहाड़ की चोटी पे ही क्यों होते, नीचे क्यों नहीं होते? और भाई ये जो रास्ता है जिस पे हम जा रहे हैं अभी, ये देखो, तो इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि जब बारिश होती है तो पानी आता होगा यहाँ से, तो बारिश के मौसम में ना आई। यहाँ बहुत बुरा हाल है यार, एक तो ऑक्सीजन की कमी और ऊपर से सारा दिन बस चलो 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 चलो, कुछ ऐसा रास्ता है जब आप ट्रैक करते हो। और यहाँ पे भाई कहीं भी लाठी नहीं मिली है, मैं सोच रहा था कि जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता वहाँ कोई लाठी वाले मिलेगा, तो आप जब भी आए तो अपना लाठी का इंतजाम पहले करके आए। रास्ते मिल गया मुझे डंडा, मैंने दे दिया इनको और अभी लगभग हमारा 40% कवर हो गया है। और ये आप व्यू देखो भाई बेहतरीन। रास्ते में आपको ऐसे शॉप्स मिलती रहेंगी और ये कैंपिंग साइट भी है, आप यहाँ पे स्नैक्स का आनंद उठा सकते हो। एक घंटा दस मिनट ट्रैक करने के बाद हमें ऐसा रास्ता मिला है मंदिर तक जाने के लिए, और इससे पहले जो रास्ता था वो बिल्कुल खड़ा था, तो यार बड़ी परेशानी हुई। ये देखिए एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। फाइनली हमें बिजली महादेव का कुछ तो दिखा। ये भाई बहुत ही मुश्किल चढ़ाई है यार, और ये ईगल, हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये मंदिर है जो आप सामने देख रहे हो,
और ये बोला जाता है भाई इस मंदिर से पूरा हिमाचल दिखता है। ये देखो और अभी वो पार्ट दिखाता हूँ जो सिसु वाले सिसु कोक्चर वाले। तो भाई हम पहुंच गए बिजली महादेव जी के मंदिर पे और ये महादेव जी का मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो। इसके बारे में ये बोला जाता है कि भाई ये पांडवों के समय से पहले का है और यहाँ पे जो शिवलिंग है उसका कोई अंत नहीं है, वो नेचुरल तरीके से बना हुआ है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। और जब भी यहाँ पे मतलब ऐसी कहावत है जो स्टोरी है ये यहाँ के जो भरत है लोकल लोगों से जो आप पूछोगे तो बताएंगे, यहाँ का जो शिवलिंग था उस पर बिजली गिरी थी और उसके बहुत सारे टुकड़े हो गए थे, इसलिए उस शिवलिंग को जोड़ने के लिए उस पर मक्खन लगाया जाता है हर रोज़। और आज भी आप ध्वजा देख रहे हो ऊपर ये वाला ये लकड़ी का स्तंभ ऊपर, तो इस पर ऐसा बोला जाता है इस पर ध्वजा लगाए जाते हैं और जब भी कहीं आपत्ति आने वाली होती है तो जो महादेव जी है वो अपने ऊपर ले लेते हैं और जो ध्वजा के ऊपर बिजली गिरती है और वो ध्वजा जल जाती है और जो डंडा होता है वो फट जाता है, फिर नया लगाया जाता है, नया लगाया जाता है। तो ये ऐसी मान्यता है यहाँ पे। और एक मान्यता और है, जब हम गए थे यहाँ सिसु से आगे किलांग है, किलांग से आगे उदयपुर और वहाँ पे त्रिलोकनाथ जी का मंदिर है, सॉरी जगह है त्रिलोकनाथ, जैसे बिजली महादेव वैसे त्रिलोकनाथ, वहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। ऐसा बोला जाता है कि जब यहाँ पे बिजली गिरी थी तो उसका एक टुकड़ा यहाँ से उड़ के और वहाँ जाके गिरा था, अराउंड यहाँ से होगा भाई ज़्यादा नहीं तो 160 किलोमीटर। तो और ऐसा भी बोला जाता है कहीं कहीं कि यहाँ का एक टुकड़ा उत्तरकाशी में भी गया है, लेकिन क्या सच्चा है क्या झूठ है ये मुझे नहीं पता, जो हमने सुना यहाँ के लोगों से वही आपको बता। ऐसी स्टोरी है, ऐसी मान्यता है यहाँ पे। और जैसे किसी की शादी होती है तो वो यहाँ पे आते हैं पूजा करने आस पास के और दूर दूर के गाँव से। एक और मान्यता है यहाँ पे, आपको मंदिर में नंगे सिर नहीं जाना है, कुछ ना कुछ अपने सिर को ढक के जाना है। वो हर जगह होता है मंदिर में जाने के लिए, जेंट्स पे लागू नहीं होता वो हर जगह, लेकिन यहाँ जेंट्स पे भी लागू होता है। और भाई जैसे आप मंदिर की राइट साइड में पीछे आते हो तो आपको देखने को मिलता है ये वाला व्यू, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है भीड़ बकरियाँ चल रही हैं ऐसे। और यहाँ से एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ स्पेशल, वो दिखाते हैं। ये देखो अगर आप देख पा रहे हैं, ये वो वाला ब्रिज है जहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, और अगर आप देख पा रहे हो ये हवाई पट्टी है एयरपोर्ट की। और अभी फाइनली बोलते हैं हर हर महादेव और दोबारा ट्रैक स्टार्ट करते हैं अपना नीचे जाने का। रास्ते में कैंपिंग साइट भी थी तो हमने सोचा था अगर लेट होंगे तो रास्ते में जो कैंपिंग साइट है वहाँ रुक जाएंगे, लेकिन इतने ज़्यादा लेट हुए नहीं है। ये होता है जब आप पहली बार किसी नए रास्ते में जाते हो, हम ट्रैक कर रहे थे तो हमने लंबे वाला रूट ले लिया, बहुत ज़्यादा लंबे वाला ले तो लिया। अभी हम मंदिर से उतर रहे थे तो हमने पुजारी जी से पूछा, तो ये जो टॉयलेट है आप आते हो टॉयलेट के बैक साइड से ये रास्ता जाता है यहाँ से और आपको सीधा यहीं से नीचे उतरना है। ये बिल्कुल इस साइड में बिल्कुल सामने है हमारी बाइक जहाँ पे हमने खड़ी की थी, तो अभी जाएंगे वहाँ। आपको आना है कुल्लू वाले रास्ते से, क्योंकि जो कुल्लू वाला रास्ता उसमें आपको ट्रैक करना पड़ेगा मुश्किल से 20 या 25 मिनट का, लेकिन अगर आप इस साइड से आते हो कसोल साइड से मणिकरण साइड से तो आपको मिनिमम ट्रैक करना पड़ेगा 1 घंटा 10 या 15 मिनट का। और भाई उतरने में मजा आता है ना, चढ़ने में परेशानी होती है। भाई एक और चीज मैंने देखी है, पहले मैं आया था 19 में तो एयरटेल का नेटवर्क नहीं था, जियो के नेटवर्क थे लगभग हर जगह, और अब यहाँ पे 2023 में एयरटेल का नेटवर्क हर जगह है, जियो का कहीं है कहीं नहीं है। हम आपको बताते हैं कि हम रास्ता कहाँ से भटके, वो कैंपिंग साइट देख रहे हो आप, वहाँ तक तो हम ठीक थे, तो वहाँ से क्या किया हमने, वहाँ से हम यहाँ तक आए और यहाँ से उस साइड चले गए, लेकिन हमें आना था सीधा, वहाँ पे कोई साइन बोर्ड भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ जानवरों के निशान थे, तो हमने सोचा ये जानवरों वाला रास्ता है, एक उस साइड आदमियों का भी जाने के निशान थे तो हमने आदमी वाले रास्ते को चूज किया,
और हम पहुंच गए लंबे रास्ते में। जो हम ऊपर गए थे ये रास्ता देख रहे हो आप, पगडंडी सी ये होल्डिंग लगा हुआ है। हम यहाँ से गए थे और हमें जाना था इस साइड से सीधा आगे, यहाँ से ये जो आप ऊपर चुंदड़ी देख रहे हो यहाँ से सीधा ऊपर। हमने क्रॉस कर लिया अराउंड 70% के करीब रास्ता, अभी 30% बचा है। और आपको अंदाज़ा लगा सकते हो जैसे 30% होता है फ्लैट सा सरफेस आता है, फिर 30-40% होता है फिर फ्लैट सा सरफेस आता है। और अभी भाई जो एरिया वो स्टार्ट हुआ गांव का, अभी जंगल का था ये वाला रास्ता। और भाई जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था वहाँ से आने में लगा है आधा घंटा, और जहाँ पे हमारी बाइक पार्क है बस हम ऑन द वे हैं, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे वहाँ पे। और भाई मेरे होंठ फट चुके हैं बिल्कुल बुरी तरह से, ऊपर से दौड़ के आए ना नीचे तक तो हल्के हल्के सांस चढ़े हुए हैं। ऐसे जो फ्लैट सरफेस में रहते हैं और वो पहाड़ों पे आते हैं तो उनको तो पता ही है भाई जब आप ट्रैक करते हो तो क्या कंडीशन होती है स्टार्टिंग में, और अब तो हमारी ट्रैक एंड हो गई है। और भाई अभी हम पहुंच गए हैं फ्लोकी के पास और अभी चलते हैं यहाँ से। रास्ते में क्लिप नहीं बनाएंगे नीचे जाते टाइम क्योंकि रास्ता बहुत ही खतरनाक है। ऊपर से फ़ोन को पावर बैंक में लगा के बैग में डाल रहे हैं, तो अगर आपको ट्रैक अच्छा लगा हो मंदिर अच्छा लगा हो तो आपको यहाँ आना, तो आप कुल्लू की साइड से आए। और भाई ऊपर जाने के बाद ये बोला जाता है यहाँ हिमाचल के हर पहाड़ दिखाई देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपना ही चैनल है सब्सक्राइब करना। क्यूरी है किसी की कुछ भी तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसका रिप्लाई करेंगे हम। अगर कुछ भी क्वेश्चन है किसी के इस जगह से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम होगी या फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर देने का, तो मिलते हैं बोल जल्द अगले व्लॉग में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।